करना, सिंपल सी प्रॉब्लम बता, बस जस्ट रिहर्सल ऑफ द प्रॉपर्टीज, कहीं से भी जेई मेंस निकालना डिफिकल्ट नहीं होता। डिफिकल्ट ही होता है कि सिलेबस इतना ज्यादा इतने कम टाइम में आप उसको कैसे पढ़ोगे। एक बार पढ़ लिया जाए तो जेई मेंस में तो यार मतलब क्या बोले, सोते सोते दोगे तब भी निकल जाता है जेई मेंस, समझ में आए क्या? थोड़ी देर नींद खुल जाए उसी में लिख दोगे तो उसी में जेई मेंस में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। कंपटीशन रियल है जे एडवांस, वो 20% क्वेश्चन जो सबके दिमाग को हिला देते हैं, जिसको देखकर जो एक्सपर्ट होते हैं उनको भी सोचना पड़ता, वो क्वेश्चन करना एक आर्ट होती है। बाकी 80% क्वेश्चन, 75% क्वेश्चन जे एडवांस के भी बिल्कुल मीडियोकर रेंज होते हैं, जो हर नॉर्मल बच्चा सॉल्व कर सकता है, समझ गया? लेकिन बस प्रेशर होता है एग्जाम टाइम में, जब तीन पेपर कंटिन्यूअस है, फिजिक्स का भी करना है, मैथ्स भी करना है, केमिस्ट्री भी करना है, तो उस प्रेशर वाली टाइम पे परफॉर्म करना ये एक बात होती है यार। ये वही काम कर सकता है जिसने इस प्रेशर पे बहुत बार अच्छा परफॉर्मेंस दिया हो। कहते ना कि पहले खेल रहे हैं आपने एक नॉर्मल मैच में सेंचुरी लगाना और एक प्रेशर वाले मैच में सेंचुरी लगाना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। जो अच्छा खिलाड़ी होता है वो प्रेशर वाले मैच में अच्छा परफॉर्म करता है, समझा है ना? बाकी तो जो अदरवाइज तो लोग कमी निकालने को तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं यार कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, जो खिलाड़ी होता है वो कभी एक्सक्यूज नहीं करता, वो हर सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म करता है, उसको हमेशा याद रखते हैं, अपने दिल में रखते हैं, समझ में आया क्या? तो चलो यार आज